हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल HDM माय व्लॉग्स में। तो आज है बहुत ही विशेष पूजा जो हमारी मम्मी करती है, जिसे बोलते हैं सकट चौथ। और इस दिन हमारी मम्मी पूजा करती है जो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और अभी सबसे पहले हमें पूजा की सामग्री लेने जानी है, जो कि मैं जा रहा हूँ पापा के साथ लेने। तो तब तक लिए आप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को एंड तक की जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी अपन पहुंच गए हैं इंदिरा मार्केट, और ये देखो पूजा के लिए सामान लेने अपन पहुंच चुके हैं। ये पूजा है जो कुछ ही लोग करते हैं, तो इतना माहौल नहीं है, पर हाँ पूजा के सामान हमें मिल जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये पूजा भी मेन मानी जाती है जो लोग करते हैं उनके लिए। और ये हमारा मेन इंदिरा मार्केट दुर्ग का, इंदिरा मार्केट पहुंच गए अपन। यहाँ पे एक मंदिर भी है जगन्नाथ जी का, है तो काली माता का मंदिर है ये। और मार्केट कुछ ऐसा है सुबह के टाइम पे, सुबह का टाइम है इसलिए मार्केट में उतनी ज़्यादा रौनक भी नहीं दिख रही होगी, लेकिन शाम के टाइम पे मार्केट क्या कचक कच भरे रहते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे फल फ्रूट की भी बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे अन्य दुकान हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट घूमना पसंद है तो आ सकते हैं आप हमारे दुर्ग के इंदिरा मार्केट, जहाँ पे भी आपको मज़ा आ जाएगा। टनल से अंदर जाने में मेरे को बचपन से मजा आता है, पता है, बुलेट की साउंड सुनो। पहुंच गए मार्केट अपन। तो दोस्तों गाड़ी भी हमारी पार्क हो चुकी है बुलेट, और चलते हैं अब बाजार के अंदर। तो गाइस हो गई हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट, अब चलते हैं घर सीधा। घर पहुंच गए थे अपन सामान लेके पूजा का, और ये मम्मी देखो क्या कर रही है। मम्मी आज उपास है फिर भी कपड़े चपेट रही है। क्यों क्या मम्मी, क्या मम्मी करूं तो ये इतने सारे फैले, तुम्हें से होगा भी नहीं। हम लोग तो वैसे भी नहीं, वैसे मैं कर दूंगा, आप दोगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मम्मी मैंने साड़ी चपेट मेरे को कपड़े चपेटने नहीं आता, कसम से नहीं आता। नेल पॉलिश बेबी के देखो, आज मम्मी उपास है और रात को पूजा है, इसलिए मम्मी को साड़ी भी पहनना है, तो फिर गंदा हो जाएगा, तो सब फैलेगा देखना, सब कपड़े पहनेंगे तो फिर फैलेगा। ये किरसी साड़ी पहनेंगे? नहीं, ये नहीं पहनेगी, ये तो पुरानी साड़ी है, तो पुरानी है। हर पूजे में नई साड़ी लगती है, इसलिए हम लोग गए थे और शॉपिंग करे थे। तो अगर किसी ने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाओ चैनल पे जाओ और वाला ब्लॉग भी देख लो, और हमें लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अभी अभी मैं बाहर से आया और दूध लेना था इसलिए गया था। और ये देखो अभी हो चुकी है शाम और थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है बाहर, और मम्मी हमारी कर रही है प्रिपरेशन हमारे पूजा की। तो मम्मी कुछ बताओगी डिटेल में? प्रिपरेशन पूरी हो के रेडी हो गई है, देखो ये सब मैंने कांदा उबाल लिया है, पूजा का थाली सजा ली है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मम्मी ने कुछ इतना कुछ बना चुका है। ये क्या है? ये हलवा सिंगाड़े के आटे का हलवा। ये जो है ये इसको पूजा करेंगे, ये जो पहाड़ है ना ये सुबह कल तोड़ना रहता है मेरे को। तिल का पहाड़, हाँ, हमारे यहाँ लड्डू नहीं बनता, हमारे यहाँ तिल का पहाड़ बनता है। और यहाँ पे है कांदे और यहाँ पे गन्ना, ये सब चढ़ता है। हम लोग भी यही खाने वाले हैं, दूध कांदा सब हलवा यही सब खाते हैं अपन भी हर दिन, मम्मी का साथ देते हैं। तो मम्मी क्योंकि सुबह से उपास है इसलिए ये खाना है, फलहार बोलते हैं इसको। हाँ निर्जला उपास है, निर्जला निर्जला चांद को पूजा करेंगे फिर तो उसके बाद फलहार करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए आप वेट करो और पूजा स्टार्ट होने पे हम आपसे मिलते हैं। ये देखो मम्मी हमारी हो चुकी है रेडी, और बच्चा पार्टी बाहर बैठना पड़ता है, ठंड झेलना होगा। मेरी चुन्नी नहीं उड़ा है मम्मी, चुन्नी नहीं उड़ा, तू क्या करेगी, तू थोड़ी ना पूजा करेगी, ऐसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। तो दोस्तों अब बस हमारे पूजा करने का टाइम हो चुका है, और मैं आपको कुछ पूजा के बारे में डिटेल बता दूं। इसे बोलते हैं सकट चौथ, भाई को बोलने नहीं आता,
बोल तो रहा है इतने अच्छे से। इसे बोलते हैं सकट मम्मी ने चौथ, बोला दिल्ली चौक बोलो। इसे बोलते हैं सटक चौथ और इस दिन हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें भोजपुरी में ज्यादा भोजपुरी वाले लोग ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे हमारा कुछ सेटअप बना है पता है, यहाँ पे बैठने के लिए हमारा कुछ सेटअप बन गया है और यहीं पे हम लोग बैठेंगे और फिर पूजा करेंगे पूजा करेंगे पूजा करेंगे पूजा करेंगे हवन करेंगे। मम्मी की सामग्री रेडी है, बाप रे फ्रिज में बहुत जोर से लोगों, मम्मी की सामग्री रेडी है, अब बस चलते हैं इसको बाहर रखते हैं। तो गाइज हमने कुछ ऐसा सिंपल और सस्ता जुगाड़ लगाया है रोशनी पहुंचाने के लिए और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। चंदा मामा निकलेंगे तब मम्मी हमारी पूजा स्टार्ट करेगी और थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया मम्मी ने पूजा का स्टार्टअप। और हम लोग यहाँ छत पे देख रहे हैं कि कब चांद निकलेगा वहाँ से और मम्मी वहाँ पे हमारी बैठी है इस दीवार के पीछे। रन्नू ला रही है अग्नि जो माँ हमारी आग जलाती है हर दिन, उसमें से थोड़ा अग्नि रन्नू ला दी है। पीछे का एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको, लाइटी लाइट नाच रही है, फिर भी नहीं दिख रहा होगा अंधेरे में। तो देखो गाइस मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी और मम्मी ये देखो यहाँ पे गौरी गणेश रख रहे हैं। पता है कितने साल पुराना, कितना कितने साल का तू हो गया, अब के साल पुराना धुआं निकल क्या चीज मतलब सुन लो धुआं निकल रहा है उतने साल पुराना है। ये हर बार यूज करती हो आप गणेश, ये गोबर की गौरी बनी है और ये गणेश भगवान है और ये उतने साल से पुराना और कुछ नहीं हुआ है आज तक। कहाँ पे रखते हो तो आप इसको, छुपा के मेरे को कभी पता ही नहीं चला। मैं इसको अलमारी में रखती हूँ और ये हमारे में ऐसे ही होता है, मतलब ये उतने साल से बना के रखा हुआ है और इसी को हर बार पूजा करना है, इसको ठंडा नहीं करती, इसको हर बार इसी में पूजा करती हूँ। हाँ यार इतना साल हो गया, वाह इतने साल का, इसीलिए तो जितने साल का तू है उतने साल का ये गौरी गणेश, इतने साल से इसी को हमारे यहाँ ऐसे ही होता है तो चलो मम्मी को पूजा करने देते हैं, डोंट डिस्टर्बिंग। और आई होप चंदा मामा जल्दी लिखे हाँ। और आप लाइक जरूर करना। तो गाइस चांद दिख गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मम्मी पूजा भी स्टार्ट कर दी अब, तो अब बारी है अर्घ देने की जो पापा दे रहे हैं। तो बस अब बारी है खाने की जो कि हमारे लिए निकाला जा रहा है। यहाँ पे आलू हो गया है और इसे मम्मी भुर्जी बनाएंगी आलू की। और यहाँ पे हमारा सिंगाड़े का आटा जो मैंने आपने स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि क्या खाने वाले हम लोग, तो वही हम लोग खाएंगे और पूजा के दिन आज यही खाते हैं हम लोग। मुझे सिंगाड़े का आटा बहुत अच्छा, हलवा मेरे को भी पसंद है, तो पूजा के दिन हम लोग यही खाते हैं। तो खाना निकालते हैं और खाते हैं, बहुत भूख लग रही है क्योंकि यार टाइम हो गया कितना, 9:30 हो रहा है, 9:30 होने वाला है और टाइम है, हम 10 बजे तक खाते हैं, कहाँ से तू 2 साल की बात कर रहे हैं। चलो तो भाई साहब खाना निकालने की बारी आ चुकी है जो मम्मी हमें बुला दी है हमें, फटाफट से खा लेते हैं, मजा आएगा बेबी है ना, भूख लगी है ना। तो चलो खाना भी निकल चुका है हमारा, अब हम लोग फटाफट से खाते हैं। तो हो चुकी है रात और समय भी हो चुका है सोने का, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से सब्सक्राइब बटन को दबा देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और सुबह जो है हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, जो पहाड़ आपने देखा था तिल का उस पूजा के साथ, तो उसे सुबह तोड़ना है और तोड़ के थोड़ा सा अलग करना है, तो उसका व्लॉग तो कल वाले में आएगा, तो वो भी मत भूलिएगा देखना और इस व्लॉग को देख लेना। और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको हमारी सारी व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब के लिए गुड बाय और टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।